बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास नाइन्थ मैथमेटिक्स, इसका चैप्टर नंबर 16 है। इस चैप्टर का लास्ट थ्योरम, थ्योरम नंबर 16.1.4, यानी इसका फोर्थ थ्योरम आज हम प्रूव करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसके स्टेटमेंट रीड करते हैं। इसमें हमारे पास क्या है, ट्राइंगल्स ऑन इक्वल बेसिस एंड ऑफ इक्वल आल्टीट्यूड्स आर इक्वल इन एरिया। तो जिस तरह इसका थर्ड थ्योरम था उसी तरह ही है बिल्कुल, बट थोड़ा सा डिफरेंस है, आपने ख्याल रखना है। वहाँ पे हमारे पास था सेम बेस, यानी एक बेस थी, बट यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ट्राइंगल्स ऑन इक्वल बेसिस। इसका मतलब बेस एक नहीं है, बेस डिफरेंट हैं। दो ट्राइंगल्स होंगे तो दो बेस होंगे हमारे पास, ये आपने यहाँ पर ध्यान रखना है। जिसमें सेम बेस हो वहाँ पर हमारे पास थर्ड थ्योरम एक बेस होगी, एक बेस पर दो ट्राइंगल्स बनेंगी। बट यहाँ पे हमारे पास इक्वल बेसिस, इसका मतलब बेस जो है वो एक नहीं, इससे ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे आपने ख्याल रखना है। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ। उसके बाद क्या है, एंड ऑफ इक्वल अल्टीट्यूड्स, ये वही बात है कि उनकी जो हाइट है वो क्या है, सेम है, बराबर है। और हमने क्या प्रूव करना है, आर इक्वल इन एरिया, उन दोनों ट्राइंगल्स का या जितनी भी ट्राइंगल्स हैं उनका एरिया क्या है, आपस में बराबर है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट काम क्या करना है आपने, वही मेन काम डायग्राम वाला, आपने डायग्राम बनानी है। तो आपने क्या करना है, इक्वल बेसिस, आपने दो ट्राइंगल्स बनानी है, तो आपने दो बेसिस ड्रा करनी है। सबसे पहले आपने यहाँ पे स्केल लेना है और आपने बकायदा मेजरमेंट के साथ आपने ये बेसिस ड्रा करनी है। तो मैंने यहाँ पर स्केल लिया। सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने एक जो है बेस ली 0 से लेकर 3 तक, ठीक है, यानी 3 सेंटीमीटर की एक बेस हमारे पास है। इस तरीके से हमने थोड़ा सा गैप रखा। उसके बाद आपने 4 से लेकर 7 तक एक और बेस लेनी है, यानी 3 सेंटीमीटर की दो बेसिस हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक हो गया, ये हमारे पास दो बेसिस हैं, इनको आपने नाम देने हैं। तो उसके बाद आपने पॉइंट का नाम देने हैं, आपने यहाँ पे बीसी का नाम देना है और यहाँ पे आपने क्या रखना है, ई और एफ का नाम देना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास दो ट्राइंगल बननी है, एक बनेगी एबीसी और एक बनेगी डीईएफ। यहाँ पर आपने क्या करना है, आप दो ट्राइंगल्स पूरी करनी है आपने, तो यहाँ पर आपने बी पे रखना है पहले और यहाँ पर आपने इसको मिला देना है ऊपर जो है किसी पॉइंट पर, इस लाइन पर आपने ख्याल रखना है, वो आपकी लाइन फिक्स हो, ठीक है। ये आपने इधर मिला दिया बी को, उसके बाद आपने इसी पॉइंट को जो है सी को मिलाना है इस पॉइंट से, तो ये हमारे पास जो है एक ट्राइंगल पूरी हो जाएगी एबीसी। तो ये हमारे पास जो है एक ट्राइंगल एबीसी पूरी हो चुकी है। उसके बाद आपने क्या करना है, ईएफ पे एक ट्राइंगल बनानी है, आपने यहाँ पे स्केल लेना है और ज़रा इसको इस तरीके से बनाएं, जैसी बना लें आप मर्ज़ी है, लेकिन बुक पर ज़रा इस तरह बनी हुई है तो मैं उस तरह ट्राई कर रहा हूँ। ये हमारा ये पॉइंट यहाँ से मिलेगा इस लाइन के ऊपर, आपने ख्याल रखना है कि जो इनकी हाइट है ये वाली, ये बराबर इस लाइन के ऊपर, ठीक है। उसके बाद आपने एफ़ को मिला देना है इस पॉइंट से, तो हमारे पास यहाँ पे दो ट्राइंगल्स जो है वो पूरी हो जाएंगी। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, इस एफ़ पॉइंट को मिला देना है इधर इस पॉइंट से, तो हमारे पास ये जो है दो ट्राइंगल्स पूरी हो जाएंगी, एक हमारे पास हो गई ए बी सी, कौन से हमारे पास है डी ई एफ, ठीक है। उसके बाद आपने ये स्ट्रेट लाइन बनानी है, ये वाली जो हमारी जा रही है, ये वाली बी सी ई एफ, इसको आपने मिला देना है यहाँ पे, जो हमारा गैप है, ये गैप हमारा मिलेगा तो हमारे पास क्या बन जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी यहाँ पे। तो ये हमारे पास बन गई स्ट्रेट लाइन बी सी ई एफ। तो हमने क्या करना है, इन दो ट्राइंगल्स का एरिया आपस में बराबर प्रूव करना है। तो हम डायरेक्टली इसको प्रूव नहीं कर सकते, हमने क्या करना है, पैरेललोग्राम्स बनानी है। तो आपने क्या करना है, ए सी के ऊपर स्केल रखना है और सिमिलरली इसी डायरेक्शन में आपने इसको मूव करते हुए बी के ऊपर लेके आना है और यहाँ पे आपने जो है एक डॉटेड लाइन लगा लेनी है, ठीक है, डॉटेड मिसिंग लाइन इस तरीके से आपने लगा लेनी है। ये हमारी जो है पैरेलल लाइन है एसी के, ठीक हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, इधर आना ईडी के ऊपर, बिल्कुल इस तरीके से आपने ईडी की डायरेक्शन में जो है यहाँ पे आपने जो है एक और लाइन लगा लेनी है, बट याद रहे कि आपकी जो हाइट है वो सेम रहनी चाहिए, ठीक है। आपने ये हाइट ये बराबर रखनी है, जहाँ पर वो उसके जो वर्टिक्स हैं वो आपके मिले हुए हैं, ये आपने बराबर रखनी है, क्योंकि हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन है। अब लास्ट पे क्या करना है, आपने आपने इनको यहाँ पे मिला देना है, ठीक है, एडी को यहाँ पे मिलाना है आपने। एडी को मिलाने के बाद आपने इसको एक्सटेंड भी करना है दोनों पॉइंट्स पे, तो इसको हम मिलाते हैं। हमारे पास एडी लाइन है, वो एक्स इस तरफ भी जाएगी लेफ्ट साइड पे इस पॉइंट तक और इस तरफ भी हमारे पास ये मूव करेगी इस पॉइंट तक, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपने इन पॉइंट्स को नाम दे देने हैं। ये हमारे पास एक्स पॉइंट है अकॉर्डिंग टू बुक और ये हमारे पास कौन सा पॉइंट है, ये वाई पॉइंट है, ठीक हो गया। अब हमारे पास जो एसी लाइन है वो क्या है, वो पैरेलल है किसके, इस बीएक्स लाइन के। तो इस तरह आपने तीर लगा लेने हैं, एक तीर लगाया आपने, इसका मतलब एसी जो है वो बीएक्स के पैरेलल है। और इस तरीके से जो ईडी आपकी लाइन है, यहाँ पे दो तीर लगा लिए, इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास एफवाई के पैरेलल है। तो ये हमारे पास डायग्राम पूरी हो चुकी है। अब हमारे पास बाकी हेडिंग्स आती हैं, गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन। तो हमारे पास गिवन में क्या है, हमारे पास ट्राइंगल्स ही हैं दो, आपने लिखनी है ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ ऑन इक्वल बेसिस,
जो बात उसने बताई थी वही लिखनी है आपने, बट यहाँ पे हमने दो नाम दे दिए हैं, ठीक है, ट्राइंगल्स को। उसके बाद बेस कौन सी हमारे पास थी, एक बी सी थी और एक ई एफ थी, ये आपने यहाँ पे रख दी, बी सी एंड ई एफ, एंड हैविंग इक्वल अल्टीट्यूड, मतलब उनकी जो हाइट है वो दोनों की बराबर है, ओके हो गया। उसके बाद प्रूफ क्या करना है आपने, सिंपल काम है, हमने दोनों का एरिया बराबर प्रूफ करना है, तो आपने लिखना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ, ये तो हमारे पास यहाँ तक हो गया। उसके बाद कंस्ट्रक्शन वाला काम ज़रा लंबा है, यहाँ पे क्या किया हमने, सबसे पहले वो कहता है आपने जो है ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल डी ई एफ को इस तरीके से प्लेस करना है, प्लेस द ट्राइंगल्स ए बी सी एंड डी ई एफ सो दैट देयर इक्वल बेसिस बी सी एंड ई एफ आर इन द सेम स्ट्रेट लाइन। आपने इनको ऐसे प्लेस करना है कि हमारे पास ये वाली जो लाइन है ये वाली स्ट्रेट लाइन बने, और लाइन कौन सी हमारे पास, बी सी ई एफ, ठीक है, एंड देयर वर्टिसेस आर ऑन द सेम साइड ऑफ इट, और जो इस इन ट्राइंगल्स के वर्टिसेस हैं वो कौन से हैं, ये वाले कोने जो इसके हैं ट्राइंगल के हैं, डी वाला और ये ए वाला, उनकी साइड सेम हो, ठीक है, यानी अगर ये वाली साइड इस तरफ है तो इसकी भी क्या हो, इस तरफ हो, ये ना हो कि इसकी साइड इस तरफ बना दें आप, ठीक है, नीचे की तरफ, दोनों की सेम साइड हो। उसके बाद क्या किया हमने, हमने ये वाले ड्रा किए, इसको आपने लिखना है, जो हमने पैरेलल ड्रा की हैं यही लिखे हुए हैं, ड्रा बी एक्स पैरेलल टू सी ए, यानी आपने जो बी एक्स ड्रा किया ये वाला, ये किसके पैरेलल है, ये सी ए के पैरेलल है। उसके बाद आपने क्या ड्रा किया, एफ वाई ड्रा किया किसके पैरेलल, ई डी के पैरेलल, तो ये आपने ड्रा कर लिया। उसके बाद आपने ए डी को ज्वाइन किया और उसको आगे बढ़ा दिया एक्स की तरफ भी और वाई की तरफ भी, ये आपने सारा काम आपने स्टेप बाय स्टेप लिख दिया, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, कंस्ट्रक्शन पूरी हो जाएगी। थोड़ा काम लंबा है यहाँ पे, बट आपने स्टेप्स याद रखने हैं जो हमने किए थे, सबसे पहले हमने ट्राइंगल्स ड्रा करने के बाद ये पैरेलल ड्रा किए थे, ठीक है, उसके बाद हमने ये एडी लाइन जो है बढ़ाई और इसको एक्स वाई से मिला दिया, तो ये हमारे पास डायग्राम गिवन टू प्रूव एंड कंस्ट्रक्शन जो है क्लियर हो चुकी है। अब हम चलते हैं इसके मेन टास्क की तरफ जो हमारा प्रूफ है, तो प्रूफ पर जाने से पहले थोड़ा इसका जो है ओवरव्यू लेते हैं कि हमने इसको कैसे प्रूफ करना है। तो सिंपल काम है, बिल्कुल लास्ट थ्योरम की तरह, थर्ड थ्योरम की तरह, आपने क्या करना है, आपको अगर आप यहाँ देखें हमने एरिया प्रूफ करना है इनका, दोनों ट्राइंगल्स का, ए बी सी एंड डी ई एफ का, तो यहाँ पे आपको जो है दो पैरेललोग्राम नज़र आ रही हैं, ये आप देख सकते हैं, एक हमारे पास है बी सी ए एक्स, ये वाली पैरेललोग्राम है, और दूसरी कौन सी है, इसको अगर आप देख लें ई एफ वाई डी या ई एफ डी वाई, इस तरीके से ये हमारे पास दो जो है शेप्स बन रही हैं, कौन सी हैं, ये क्वाड्रिलेटरल हैं और ये पैरेललोग्राम हैं, ठीक है। पैरेललोग्राम कैसे हैं कि हमारे पास ये लाइन हमने खुद पैरेलल ड्रा की थी ये वाली, ठीक है, और ये हमने पैरेलल प्रूव करनी है कि हमारे पास ये लाइंस आपस में क्या हैं, पैरेलल हैं, तो ये पैरेललोग्राम बन जाएंगी। अब इनका एरिया जो है आपस में बराबर है क्योंकि बेस सेम है, ठीक है, बेस ई एफ और बी सी बराबर हैं आपस में, तो इनका जो एरिया होगा वो हमेशा बराबर होगा, ये हमने पहले फर्स्ट ईयर में प्रूव किया था। जब इनका एरिया बराबर है तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, पैरेललोग्राम का हाफ होता है, तो आखिर पे हमारे पास रिजल्ट आएगा कि इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया भी बराबर है, बिल्कुल थर्ड थ्योरम की तरह थ्योरम है। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले आपने क्या लिखना है, वही बात, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ आर बिटवीन द सेम पैरेलल्स, ठीक है, बिकॉज देयर अल्टीट्यूड्स आर इक्वल, ये हमारे पास बात गिवन है कि हमारे पास जो ट्राइंगल ए बी सी है और डी ई एफ है, इनकी जो हमारे पास ये सेम पैरेलल लाइंस के दरमियान है, ठीक है, इनकी हाइट बराबर है, तो यहाँ से हम रिजल्ट निकाल सकते हैं कि हमारे पास जो एक्स ए डी वाई ये वाली लाइन है वो क्या है, वो बी सी ई एफ के पैरेलल है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, इनका जो डिस्टेंस है हमेशा वो बराबर होगा, ठीक है, यही बात हमने निकालनी है, यहाँ से रिजल्ट निकालना है, एक्स ए डी वाई इज़ पैरेलल टू बी सी ई एफ, ये बात हो गई। अगर ये पैरेलल हैं इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारे पास पैरेललोग्राम है, ये वाली बी सी ए एक्स और ई एफ वाई डी, अगर ये पैरेललोग्राम हैं, इनकी बेसिस सेम है, इनके एरिया भी क्या होगा, बराबर होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा यही है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बी सी ए एक्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ई एफ वाई डी, ये हमारे पास इक्वेशन वन बन जाएगी। इसकी रीज़न क्या होगी, दीज पैरेललोग्राम्स आर ऑन द इक्वल बेसिस, इनकी बेसिस इक्वल हैं, ठीक है, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल और सेम पैरेलल लाइंस के दरमियान है, इसका मतलब क्या हुआ, उनके एरिया आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये हमने प्रूव किया था फर्स्ट ईयर में कि अगर दो पैरेललोग्राम्स हों, उनकी बेस जो है इक्वल हो और उनकी हाइट जो है वो बराबर हो, अल्टीट्यूड बराबर हो, सेम पैरेलल लाइन के दरमियान हो, उनके एरिया क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट आया कि इन दोनों पैरेललोग्राम्स का एरिया आपस में बराबर है। ये हमारे पास पैरेललोग्राम की सिंबल होती है, तो लेंस लगा के ऊपर जी एम लिख दें आप, ठीक है। सो अब हम चलते हैं अपने मेन टास्क की तरफ, हमने क्या करना है, इन दो ट्राइंगल्स का एरिया प्रूव करना है बराबर। तो आपने इसको जरा साइड पर कर देना है फिलहाल, तो इसको देखें बी सी ए एक्स को, इसमें हमारे पास क्या है, जो ए बी लाइन है ये डायगोनल है। डायगोनल क्या करता है, किसी भी शेप को क्वाड्रिलेटरल को दरमियान से कट करता है, ठीक है। तो ये डायगोनल क्या कर रहा है, इस पैरेललोग्राम को दरमियान से कट कर रहा है,
इसका मतलब क्या हुआ, इसकी जो दो ट्राइंगल्स बन रही हैं, एक हमारे पास ये वाली है बी ए एक्स और एक हमारे पास ए बी सी है, ये आपस में बराबर होंगी। ठीक है, तो हमारे पास ए बी सी ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, वो इस पूरी पैरेललोग्राम का हाफ होगा, आधा होगा। ठीक है, तो यही बात हमने यहाँ पर लिखनी है, बट एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ, हाफ को हम लिखते हैं 1/2, किसकी हाफ है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बी सी ए एक्स, यानी आपके पास जो ट्राइंगल है ए बी सी, इसका एरिया जो है वो इस पूरी पैरेललोग्राम बी सी ए एक्स के हाफ है, आधा है। ठीक है, यानी इसको आप रख लें तो ये हमारे पास ये वाला हाफ बन जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास हाफ हो गया, तो इसको हमने इक्वेशन टू का नाम दे दिया। इसकी रीज़न क्या है, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्टेड, कि जो डायगोनल है पैरेललोग्राम का वो इस पैरेललोग्राम को दरमियान से काट रहा है, दरमियान से काट रहा है, इसका मतलब ये दो हिस्से बराबर हैं आपस में और ये आधा हो जाएगा। तो पहली बात तो ये हो गई। उसके बाद आपने आना है सेकेंड पैरेललोग्राम पे, वो कौन सी है, ये वाली, इस वाली, ये ई एफ वाई डी। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास एक डायगोनल है ये वाली लाइन ई एफ। ठीक है, तो ये दो अगेन ट्राइंगल्स बन रही हैं और बराबर बन रही हैं, इनका एरिया आपस में बराबर होगा ट्राइंगल्स का। इसका मतलब क्या हुआ, हमारी जो मेन ट्राइंगल है डी ई एफ, इसका एरिया इस पूरी पैरेललोग्राम का हाफ है, आधा है। तो यही बात आपने लिखनी है यहाँ पे। एंड सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ इज इक्वल टू हाफ, मीन 1/2, किसका हाफ है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ई एफ वाई डी, इस पैरेललोग्राम का हाफ है। ओके, हो गया, ये हमारे पास जो है थर्ड इक्वेशन बन गई। इसकी भी सेम रीज़न है, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अब अगर आप 1, 2 और 3 को कंपेयर करें, यानी हमारे पास जो ट्राइंगल्स के एरिए हैं वो दोनों पैरेललोग्राम्स के हाफ हैं, ठीक है, और पैरेललोग्राम के एरिए बराबर हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ट्राइंगल के एरिए भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो एंड पे हमने क्या करना है, इसका रिजल्ट निकालना है फ्रॉम 1, 2 एंड 3, कि हमारे पास पैरेललोग्राम बी सी ए एक्स और ई एफ वाई डी का एरिया बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये चीज़ बराबर हो गई और 1/2 भी बराबर है 1/2 के। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाली साइड भी क्या होगी, आपस में बराबर होगी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ। तो यही हमने रिजल्ट निकालना है, हेंस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ फ्राम 1, 2 एंड 3। सो ये थ्योरम 16.1.3 की तरह ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, वहाँ पे सेम बेस थी, यहाँ पे क्या आ गई हैं, इक्वल बेसिस आ गई हैं। वहाँ पे एक बेस थी, यहाँ पे दो बेसिस बन गई हैं। बाकी मेथड वही है, हमने दो पैरेललोग्राम बनाई हैं ट्राइंगल्स के साथ और उसके बाद हमने उनके एरिए को हाफ लिखा है, तो हमने ट्राइंगल का एरिया आपस में बराबर प्रूफ कर लिया है। तो ये हमारे पास 16.1.4 प्रूफ हो चुका है। सो आई होप सो आपको ये फोर्थ थ्योरम 16.1.4 समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का इजहार लाजमी करें। Thanks for watching and don't forget to subscribe my channel.